अंदर वाला भी देख सकता है। धारचूला एंड नेपाल बॉर्डर। बर्ड्स ऑफ एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस। एंड टुडे आई कम टू इन नेपाल, क्योंकि मेरे मुंह से उत्तराखंडी निकल रहा था, पर इस समय मैं नेपाल में हूँ। एंड मैं इस समय धारचूला बॉर्डर को क्रॉस करके मैं नेपाल में आ गया हूँ। और अब बताऊँ तो यहाँ पे मार्केट भी है काफ़ी बड़ा पीछे की तरफ ऊपर की साइड में, एंड काफ़ी अच्छा लगा मेरे को आके। एंड मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। और मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से मेरे पीछे आई पी चेक वगैरह होता है, चेक होने के बाद मैं अभी बाहर आया हूँ। और काफ़ी सुंदर है, ऊपर की तरफ भी स्ट्रीट है, अलग अलग स्ट्रीट है, अलग अलग गलियाँ है, और क्योंकि बहुत से बॉर्डर के उधर से वीडियोस बनाने नहीं देते हैं इसीलिए। इस तरीके से बताओ तो झूले वाली पुल को इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से सिचुएटेड करा गया है। एंड इस तरीके से जो गैप सा है इसी के अंदर ही आर्मी वगैरह सारे यहाँ पे चेक होता है, उसके बाद ही आगे की तरफ इंडिया की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से एंड यहाँ पे एक कपड़े का दुकान यही दिखा मुझे। एंड आगे की तरफ बता रहे कि बहुत सारे और दुकानें और स्ट्रीट इस तरीके से आगे की तरफ चला गया है। तो इस तरीके से देखने को मिलता है नेपाल में आने के बाद। एंड इस भाई साहब ने मेरे को आज काफ़ी सारी चीज़ें दिखाया है यहाँ पे और बताया भी है इसके बारे में। एंड मेरे को बॉर्डर से भी लेके आए हैं। एंड इस तरीके से नेपाल पर हरी स्थानीयता है, काफ़ी सारे सामुदायिक जो चीज़ें हैं उसको भी दिखाया गया है। तो इस तरीके से अब मैं मार्केट के काफ़ी अंदर आ चुका हूँ। एंड आगे की तरफ भी बहुत सारी दुकानें, एक पीपल का वृक्ष भी है काफ़ी बड़ा सा है। एंड इस तरीके से दुकानें हैं लोगों के बने हुए हैं, इधर की तरफ भी है, पीछे की तरफ भी काफ़ी सारे दुकानें हैं। एंड बैक साइड में है धौली, जो बैक साइड की बात करूँ तो महाकाली रिवर बिल्कुल उसी के साइड में एकदम इस तरीके से सारे दुकानें हैं, सारे पूरा बड़ा जो मार्केट है मेन मार्केट यही है। और नेपाल जो धारचूला का जो नेपाल के अंदर जो एरिया है उसका जो मेन मार्केट यहीं पर है। धारचूला बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम नेपाल में, तो नेपाल का ये मार्केट है और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, ख़रीदारी भी करते हैं बहुत। और काफ़ी, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, एकदम छोटा भी नहीं है, काफ़ी सारे दुकानें, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। एंड इस तरीके से बताओ तो नेपाल के बहुत सारे दुकानें भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग यहाँ पे कपड़ों की दुकान भी है, मार्केट भी है, पर यहाँ पे बताओ तो काफ़ी इस तरीके से देखिए, इधर ये जो पीपल का पेड़ है, अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से जो ऊपर की तरफ से आ रहे हैं, यहाँ पे ये जो ग्रीन सा टिन शेड लगा है वहाँ पे इंडिया की चेक पोस्ट है। एंड इधर की तरफ ये नेपाल की चेक पोस्ट दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे है क्योंकि सस्पेंशन वाली ब्रिज है, तो उसको वहाँ पे एक सीमेंटेड घर जैसा बना रखा है, वहाँ पर चेक होता है, चेक होने के बाद ही उसके बाद नेपाल बॉर्डर के अंदर एंटर हो पाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नेपाल में आके देखने को मिलता है। एंड ऊपर की तरफ इधर साइड में जितने भी घर दिख रहे हैं ये धारचूला जो कि इंडिया में है। और इस तरीके से बताओ तो इधर की तरफ ये नेपाल में है, ये नेपाल धारचूला बॉर्डर में, ये नेपाल की तरफ है। इस तरीके से गांव है और काफ़ी सिटी सा है बना हुआ, ऊपर की तरफ यहाँ से गांव भी है। तो इस तरीके से यहाँ का नज़ारा दिखता है और काफ़ी अच्छा लगता है, कभी आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड ओम हिमालय तथा आदि शक्ति महाकाली प्रवेश द्वार, इसमें काफ़ी नेपाली लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, जिसका मेरे को पूरा पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। और महाकाली रिवर का पानी का स्रोत धाराएं देखिए कितना तेज़ है, काफ़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदर की तरफ आगे की तरफ काफ़ी काम चल रहा है पहाड़ों में, इसीलिए इसके पानी थोड़ा सा कलरलेस हो गया है, और नहीं तो भरना एकदम ग्रीन ग्रीन, एकदम ब्लू जैसा एकदम कलर दिखता है, क्योंकि काम चल रहा है, रोड बन रहे हैं, रोड की चौड़ीकरण भी हो रहा है, तो इसी वजह से वो पत्थर वगैरह मिट्टी वगैरह धंस के रिवर के अंदर गिर रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं बताऊँ तो इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से तिब्बतियन मैं बताऊँ तो, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ पे ज़्यादा बात करना एंड बताऊँ तो बॉर्डर सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, तो वहाँ से वीडियोग्राफी करना बिल्कुल निषेध है। एंड यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। एंड इस तरीके से देखिए बॉर्डर का ये झूले वाला पुल है, सस्पेंशन वाला, एंड उस तरफ इंडिया है। अब इस वक्त मैं नेपाल में हूँ। मेरे पीछे अगर मैं बात करूँ तो इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ नेपाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ओम हिमाल आदि शक्ति महाकाली प्रवेश द्वार, जय जय काली, जय जय गोरख। इस तरीके से गेट बना हुआ है इधर की तरफ, यहाँ के लोग यहाँ पे इनका कॉलोनी वगैरह भी है ऊपर साइड में। और इस तरीके से बहुत सारे महापुरुषों का यहाँ पे है किस तरीके से। एंड बॉर्डर से रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ कि चाइना बॉर्डर, इंडिया एंड भारत के किस तरफ है चाइना, तो उन सब चीज़ों को भी दिखाया गया है। और यहाँ से पवित्र कैलाश मानसरोवर को नेपाली लैंग्वेज में ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। और इस तरीके से यहाँ का बताऊँ तो जियोग्राफी है, ऊपर की तरफ एक नेपाली ट्रक भी दिख रहा है हमें, काफ़ी हाइट में खड़ा है, क्योंकि ऊपर की तरफ से एक रोड है, ये नेपाल के अंदर से ही रोड गया हुआ है। इस तरीके से मेरे को आज काफ़ी अच्छा लगा, पहली बार मैं धारचूला नेपाल बॉर्डर पर मैं बात करूँ तो, नेपाल में तो मैं काफ़ी गया हूँ,
टनकपुर बॉर्डर से, लेकिन इस बॉर्डर की अगर मैं बात करूँ नेपाल इंडो बॉर्डर जो धारचूला बॉर्डर है इसमें मैं पहली बार आया हूँ। और यहाँ का अगर मैं मेन बात करूँ तो भाई साहब सुबह के समय गेट कितने बजे ओपन होता है कि बाहर के जो इंडियन लोग आ सकें नेपाली लोग जा सकें? मैं बात करूँ तो सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है और शाम को अभी मैंने पता किया काउंटर पे दोनों तरफ इंडिया एंड नेपाल, इंडिया में उधर की तरफ चेक होता है जो पेड़ सा दिख रहा है बिल्कुल वहाँ पे चेक होता है, आईडी वगैरह चेक करते हैं। कोई सा भी आईडी हो आपके पास, एक आईडी होना ज़रूरी है, और पूछते हैं कि कहाँ से हो आप और कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। और इस तरफ इंडिया के अगर इस तरफ जब नेपाल आप आएंगे तो नेपाल में भी नेपाल की जो आर्मी है, नेपाल की आर्मी यहाँ पे भी चेक करते हैं आईडी एंड मतलब पूछते हैं कि कहाँ से आप आए हो, तो उसके बारे में वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखते हैं। तो इसके बाद हम धारचूला बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ से वीडियोग्राफी करना मना करते हैं कि वीडियोग्राफी कर नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से एंड बहुत सारे दुकान हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी है एंड कपड़ों की भी दुकान है। और इस तरीके से आगे की तरफ चले जाते हैं। ये जो आगे की तरफ ये जो गेट बना हुआ है भाई साहब, ये गेट से ये इधर क्या नाम है इस जगह का? धारचूला है इस जगह का भी नाम? अच्छा, धारचूला नेपाल बॉर्डर, बंगा बोगड़। अच्छा बंगा बोगड़, अच्छा बंगा बोगड़ कहते हैं इस जगह को, नाम बंगा बोगड़ है यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। पर धारचूला से जब बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो एक लगता है कि हाँ इस समय हम दूसरी कंट्री में हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके आया हूँ। और क्योंकि यहाँ पे किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है नेपाल में आने के लिए, आपके पास सिर्फ एक आईडी होना चाहिए, आईडी के बाद आईडी को दिखाने के बाद आप नेपाल बॉर्डर में एंटर कर सकते हैं। और इस तरीके से बताऊँ तो ये महाकाली रिवर है और ये रिवर आगे की तरफ चला गया है यहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ का जो जियोग्राफी है काफ़ी सुंदर लगता है दूर से, टूरिस्ट लोग जो भी आते हैं धारचूला के एरिया में एंड बताऊँ तो इधर धारचूला साइड में आते हैं तो नेपाल में ज़रूर आते हैं। और यहाँ पे बताऊँ ना तो यहाँ पे काफ़ी सारे अगर मैं बात करूँ तो कपड़ों से रिलेटेड हो एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और चाइना के प्रोडक्ट भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं यहाँ पे, अवेलेबल हो जाते हैं। एंड बताऊँ तो यहाँ पे बताऊँ तो इस तरीके से यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं तो आगे की तरफ और भी बड़े बड़े चौड़े रोड भी है, और ऊपर की तरफ जैसे कि मैंने दिखाया था कि ट्रक भी खड़ा है, इस पर पूरा लोडेड ये है अभी नेपाल के ही किसी दूसरे जगह में जा रहा है ये। तो इस तरीके से है एंड महाकाली रिवर में मैं ये हूँ और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को आके आज। और अब मैं मार्केट की तरफ थोड़ा जाऊँगा क्योंकि पहली बार आया हूँ, क्योंकि मन में था कि धारचूला बॉर्डर पर एक बार जाना ज़रूर है, धारचूला से नेपाल की तरफ एक बार ज़रूर जाना है। एंड इस तरीके से बॉर्डर का दृश्य आप देख सकते हैं। दुकानें तो इधर भी काफ़ी बड़े बड़े दुकानें हैं यार, है ना? एंड बताओ तो इस तरीके से मैं बॉर्डर को क्रॉस कर रहा हूँ बिल्कुल। एंड मैं बताऊँ तो इस तरीके से मैं इंडिया में आ चुका हूँ, अब इंडिया में भी चेक होता है बहुत, और चेक होने के बाद उसके बाद मैं आ चुका हूँ इंडिया में। एंड इंडिया की चेक पोस्ट देख पा रहे होंगे ये है, और यहाँ से चेक होने के बाद इस तरीके से पुल से जा रहे हैं नेपाल की तरफ, और इस तरीके से हम भी नेपाल की तरफ से आए हैं। एंड उधर से मैं आया हूँ बस बॉर्डर क्रॉस करके। तो लगता है जब अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में जाओ थोड़ा सा कि हम दूसरे कंट्री में है, और अपना देश तो अपना ही होता है। एंड बताओ तो थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि हाँ दूसरी जगह है, काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रख के चलना पड़ता है, क्योंकि पुलिस वाले भी देखते हैं। एंड इस तरीके से है, और नीचे ये काली रिवर, महाकाली रिवर आगे की तरफ चला गया है। तो इस तरीके से ब्रिज सस्पेंशन वाली उस तरफ है नेपाल एंड इस तरफ है इंडिया, और मैं इस वक्त इंडिया में हूँ। और इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है, एंड मैं इस समय धारचूला में हूँ। और मुझे आज काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। और इस तरीके से कुछ लोग सामान भी ले जाते हैं डेली के खाने पीने से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेके जाते हैं, तो इस तरीके से देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। और इस बॉर्डर में बताऊँ तो हर कोई देखना चाहता है कि यार नेपाल के धारचूला बॉर्डर काफ़ी, क्योंकि इधर कोई भी आते हैं तो आते ज़रूर है इधर को। एंड उधर की तरफ मार्केट है जिसमें नेपाल के एक सारे बहुत सारे दुकानें, कपड़ों के बहुत सारे दुकानें भी देखने को मिलता है। इस तरीके से ये नेपाल के सारे ये जो घर है ये मार्केट हो गया नेपाल वालों का, और ये बॉर्डर के उस पार है एंड हम है बॉर्डर के इस पार। इंडिया फ्लैग हो गया, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। इस तरीके से कैलाश पर्वत को भी दिखाया गया है, काफ़ी सुंदर है का व्यू है, नज़ारा काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। और ये महाकाली रिवर आगे की तरफ चला गया है,
तो इस तरीके से यहाँ का है नज़ारा, काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरीके से बताऊँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हम आज देख पाए हैं एंड इंडो नेपाल बॉर्डर में भी जाके देखा है, एक एक्सपीरियंस एक अलग ही अनुभव मिलता है और काफ़ी अच्छा लगा। और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उधर नेपाल है और इस वक्त मैं इंडिया में खड़ा हूँ, उस तरफ के जो बिल्डिंग दिख रहे हैं वो नेपाल के बिल्डिंग्स हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय।